हमने जो ये उत्पादन के कारक पढ़े ना, हाँ हेलो, हेलो, हाँ जी हाँ बताइए। सर, हमने जो ये उत्पादन के कारक पढ़े उसमें हमने चार पढ़े हैं, तो बुक में देख रही थी मैं, एक और उसमें संगठन भी है, मतलब भूमि, कारक श्रम, क्या होता है पूंजी, कि संगठन चार पांच और मतलब होते बहुत सारे, जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना वही लिखवाए हैं, ठीक है, पांच नहीं होते हैं, होते और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले लिखा है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे नहीं है कि केवल पांच ही होते हैं, पांच नहीं होते और ही होते हैं, लेकिन क्या होता है इंपॉर्टेंट वाले लिखाए गए हैं। चलिए देखे, आपने सवाल पूछा था कि अगर मान लेते हैं मंदी आता है, रिसेशन आता है, तो उसमें हमारे जो इन्फ्लेशन है या आरबीआई है या हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे काम करेगा या उस पर क्या इफेक्ट हो सकता है। इसमें दो कंडीशन आप सबसे पहले समझ लीजिएगा, एक देश है जो अलग अलग देशों से या जो देश ज्यादा मंदी से ज्यादा प्रभावित है उन देशों से ज्यादा लेन देन करता है, उन देशों से क्या होता है ज्यादा लेन देन करता है, और एक देश ऐसा है जो ऐसे देशों से लेन देन कम करता है। आप बताइए, जिन जो देश क्या होता है ऐसे जिन देशों में मंदी आती है उन देशों से अगर हम लेन देन ज्यादा करेंगे ना तो उसका इफेक्ट क्या होता जो देश उससे लेन देन करेगा उस पे भी क्या होता दिखाई देता है। देखिए कैसे, ठीक है, इतिहास में सबसे बड़ा जो मंदी आया था वो 1929 में आया था, जिसको महामंदी कहा जाता है, ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, आपको बताया था 1929 में आया था। मेनली जो मंदी आया था वो आया था कहाँ पे, अमेरिका में आया था, और उसका जो मेन इफेक्ट था द्वितीय विश्व युद्ध था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि यूरोप के जो देश थे वो क्या है युद्ध में व्यस्त थे, जब युद्ध में व्यस्त थे तो वहां पे क्या है प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उत्पादन नहीं हो रहा था, और दूसरी बात क्या है कि जो यूरोप के जो देश थे वो सामान को खरीदने के लिए या वस्तुओं को खरीदने के लिए बड़े धड़ल्ले से नोट प्रिंट कर रहे थे, यानी बहुत ज्यादा नोट प्रिंट कर दिया, करेंसी प्रिंट कर दिया, कैश ज्यादा हो गया, और अपने देशों में जो रक्षा से संबंधित चीजों है वो ज्यादा उत्पादन कर रहे थे, और जो बेसिक नीड की जो वस्तुएं थी उनका उत्पादन कम कर रहे थे। अब जैसे ही क्या है द्वितीय विश्व प्रथम सॉरी प्रथम विश्व युद्ध की बात बोल रहा हूँ, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, समझ लीजिएगा, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो क्या हुआ कि यूरोप में जो डिमांड था वो खत्म हो गया, और ये डिमांड कौन पूरा कर रहा था, देखिए इन डिमांड को एक देश पूरा कर रहा था, उसका नाम था उसमें अमेरिका। अमेरिका क्या होता है यूरोप के सभी देशों को क्या है चाहे वो मित्र राष्ट्र वाले हो चाहे दूरी राष्ट्र वाले हो सबको सप्लाई कर रहे थे वस्तुएं। जैसे ही युद्ध समाप्त हो गया तो रक्षा से संबंधित जो वस्तुएं था जैसे गोला बारूद जो भी रहा होगा उसकी मांग क्या होगा एकदम जीरो हो गया, क्योंकि युद्ध नहीं है तो उसको खरीद के क्या करेगा। दूसरी बात क्या था कि यूरोप में बहुत दिनों से खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो रहा था, दूसरी बात क्या है अमेरिका उन खाद्य पदार्थों को सप्लाई कर रहे थे, जैसे ही यूरोप में युद्ध खत्म हो गया तो यूरोप के जो बाकी कंपनियां था यानी वहां पे जो फैक्ट्री था उसमें भी क्या है खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू कर दिया, समझिएगा यूरोप में भी क्या है खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू हो गया। शुरू होने से क्या हुआ कि एक तो यूरोप के पास क्रय शक्ति घट गया, क्रय शक्ति मतलब उनके पास कोई चीज खरीदने के लिए उनके पास क्या नहीं है क्रय शक्ति मतलब शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, परचेसिंग पावर जिसे कहते नहीं हो रहा है, और अमेरिका में वस्तु इतना ज्यादा बन गया कि उनको कोई खरीदने के लिए मार्केट नहीं मिल रहा है। अब देखिए अमेरिका के लोग सप्लाई करने के लिए तैयार था लेकिन यूरोप के लोग क्या डिमांड करने नहीं के लिए नहीं था। अब बताइए डिमांड जब नहीं होगा तो मार्केट में सप्लाई कहाँ से होगा, अब डिमांड नहीं होगा तो वस्तु के जो मूल्य है ना वो धर्म से गिर जाएगा, डिमांड नहीं होगा तो वस्तु का मूल्य क्या होगा धर्म से गिर जाएगा, और इसी प्रकार से अमेरिका में क्या हुआ हर वस्तु का दाम जीरो हो गया,
मतलब फ्री में कोई किसी को कुछ दे रहा है तब भी नहीं ले रहा था, इतना ज्यादा वस्तु का उत्पादन हो गया। जहाजों में भर भर के क्या होता है, वस्तुओं को समुद्र में डुबो रहे थे। क्यों डुबो रहे थे? क्योंकि क्या है, नया उत्पादन करने का क्या है, कोई सोर्स ही नहीं था कि जो पहले के जो वस्तु बने हैं उसका खपत ही नहीं हो रहा था, तो उसकी क्या है सप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो इससे एक मंदी हो, तो क्या देखिए, इससे यूरोप में जो युद्ध हुआ उसका इफेक्ट अमेरिका में पड़ा, और अमेरिका का इफेक्ट क्या है यूरोप में पड़ा। दोनों से क्या है तालमेल बना हुआ था, लेन देन हो रहे थे, तब ये इफेक्ट होता है। अभी देखिए 2008 में जो मंदी आया उसमें भारत में इसका इफेक्ट बहुत कम पड़ा। इसका इफेक्ट कम क्यों पड़ा, देखिए आप लोग जानते नहीं होंगे तो समझ लीजिएगा, दुनिया में भारत एक ऐसा देश है ना जहां पे बैंकों का क्या राष्ट्रीयकरण किया गया है। हमारे यहाँ पे एक बैंक है आरबीआई, और बाकी जितने राष्ट्रीयकृत बैंक है या आरआरबी है या सोसाइटी है या जो भी बैंक है उसको क्या करता है कंट्रोल करने का काम करता है। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका में अधिकतर बैंक या यूरोप में जो अधिकतर बैंक आप लोग देखेंगे वो क्या है निजी बैंक होता है, अधिकांश बैंक क्या है निजी बैंक होता है। दूसरी बात क्या होता है, अमेरिका में ब्रांचेज वाला बैंक नहीं होता है। जैसे मान लेते कोई क्या है, जैसे नैनीताल बैंक समझ लीजिए कि नैनीताल में जो लोग हैं वो जो नैनीताल में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने नैनीताल बैंक खोल लिया, इसी प्रकार से जहाँ हल्द्वानी में रहने वाला है हल्द्वानी बैंक खोल लिया, रुद्रपुर में जो लोग रहते हैं रुद्रपुर वाले बैंक खोल लिया। तो इसी में क्या था, वहां के स्थानीय जो पूंजीपति है या जो व्यापारी है उनके द्वारा क्या बैंकों का निर्माण किया गया। अब देखिए जो ऐसे जो बैंक होता है ना उनमें क्या था, जो रेपो रेट हो गया या रिवर्स रेपो रेट हो गया या सीआरआर हो गया या एसएलआर हो गया, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट बैंकों को कंट्रोल करना क्या मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है अमेरिका में क्या होता है या यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, आपको तीन अर्थव्यवस्था बताया था जिसमें पूंजी, देखिए हमारे यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है ना वो समाजवाद का उदाहरण है। एक बात और समझ लीजिएगा, हमारे यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है वो किसका उदाहरण है, समाजवाद का उदाहरण है। अमेरिका में जो बैंकिंग है, यूरोप में जो बैंकिंग है, वहां पे क्या पूंजीवादी व्यवस्था है। क्योंकि पूंजीवादी लोग क्या होता है, जो पूंजीपति होते हैं वही क्या होता है बैंकों का निर्माण करते हैं, और हमारे यहाँ पे क्या है पूंजीपति भी करते हैं लेकिन अधिकांश बैंक क्या सरकार के हाथ में है, हिस्सेदारी उसमें किसका है सरकार की हिस्सेदारी है। इसलिए भारत में 2008 में जो मंदी हुआ उसका इफेक्ट नहीं हुआ। एक तो क्या है हम अमेरिका से क्या होता है जो डेली नीड के वस्तु होते हैं ना उसको बहुत कम मंगाते हैं, अमेरिका से क्या है डेली नीड के वस्तुओं बहुत ज्यादा कम मंगाते हैं। तीसरी बात क्या है कि हम अमेरिका से के तरह क्या है हमारे यहाँ बैंकिंग व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है पूरी तरह से कॉमर्शियल या जो राष्ट्रीय बैंक है उसमें नियंत्रित स्थापित करता है, सीआरआर एसएलआर के माध्यम से नियंत्रित स्थापित कर लेता है। तो इसीलिए क्या है भारत में क्या मंदी नहीं आया। तो देखिए कंडीशन पर निर्भर करेगा कि कोई देश दूसरे देशों के साथ किस तरह से आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक जो एक्टिविटीज है वो कर रहा है, उसी पर निर्भर करता है कि मंदी आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए यूरोप के बहुत सारे देश क्या होता है 2008 में क्या हुआ मंदी कारण क्या हुआ उनके अर्थव्यवस्था डबाडोल हो गया। जैसे आपने सुना होगा इटली का नाम सुना होगा, यूनान का नाम सुना होगा, ये देश भी क्या इस समय बर्बाद हो गए। इसलिए क्या भारत में क्या है इसका इफेक्ट उतना जल्दी नहीं दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इसका इफेक्ट जल्दी क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या आता है एक पूत क्या है जिसे कहते हैं हमारे यहाँ जो बैंकिंग व्यवस्था है बहुत ही क्या इंटीग्रेटेड कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड मतलब एकजुट बना हुआ है, उसमें क्या होता है निजी बैंक बहुत कम है। आज भी देखिएगा हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा हम पढ़े लिखे होने के बाद भी निजी बैंक पे बहुत कम विश्वास करते हैं। अभी भी देखिएगा एचडीएफसी बैंक होगा, आईसीआईसी बैंक हो गया, उसके बाद क्या होगा जो भी निजी बैंक है इन पे क्या होता है उतने ज्यादा क्या अकाउंट नहीं होता है, इनमें अधिकतर जो लोग जाते हैं लोन लेने के लिए ज्यादा जाते हैं, डिपॉजिट करने के लिए बहुत कम जाते हैं। समझिएगा अधिकांश जो डिपॉजिट लोग जिनके पास पैसा है डिपॉजिट करते हैं वो क्या होता है नेशनलाइज बैंक में ही करते हैं, क्योंकि विश्वसनीयता की बात होती है। क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आया इतना दिन तक राज किया है तो लोगों के अंदर क्या है अभी भी वो डर बना हुआ है।
लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या, हर शहर में व्यक्तियों द्वारा अपना अपना बैंक बना रखा है, तो वहां पे क्या होता है, इंटीग्रेटेड नहीं है, एकीकृत नहीं है। हमारे भारत में क्या, बैंकिंग सेक्टर बहुत ही क्या है, इंटीग्रेटेड है। इसलिए आप भारत में क्या है, मंदी उतना जल्दी नहीं आ पाता है। ऐसे नहीं कि मंदी नहीं आता है, आता है, लेकिन उतना जल्दी इफेक्ट नहीं डालता है। तो इसलिए क्या, भारत क्या, मंदी का इफेक्ट कम होता भारत में। अगर भारत की बैंकिंग व्यवस्था कमजोर हो जाए, उसके बाद सरकार का देखिए बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम चलती रहती है, तो वेलफेयर स्कीम भी अगर नहा चले तो उसके में भी दिक्कत हो। देखिए भारत में क्या है, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम चलती है, महिलाओं के लिए, पुरुष बच्चों के लिए, और अलग अलग जो कैटेगरीज के लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो उनसे भी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, आर्थिक मदद मिल जाती है। चलिए, तो ये हो गया आपका कि हमारे देश में मंदी का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है, इसका काम। देखिए आज आपको बता था कि हम आज बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे। आजकल देखिएगा न्यूज में बहुत ज्यादा सुनने को भी मिल रहा है, हर कोई नेता क्या है, संविधान लेके घूम रहा है। तो देखिए संविधान क्या होता है, पहले समझिएगा संविधान है क्या चीज। संविधान एक दस्तावेज है। क्या है, एक दस्तावेज है जिसमें क्या है, कानूनों के बारे में या देश में जो कानून विद्वान है उसके बारे में क्या होता है, उसमें लिखा रहता है या उसमें मेंशन रहता है या उसमें संकलित रहता है। तो ऐसे जो दस्तावेज होता है उसको क्या कहते हैं, संविधान कहा जाता है। देखिए संविधान दो शब्द से मिलके बना है, संधन विधान। सम का मतलब सामान और विधान का मतलब कानून, यानी सबको एक जैसा कानून मिले। अब भारत में कोई भी नागरिक है तो उनको सबको एक जैसा ही कानून मिलेगा। इसलिए संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान का मतलब होता है संधन विधान। यानी क्या है, सम मतलब सामान और विधान मतलब क्या होता है, कानून। और कानून कैसा होना चाहिए, कानून सबके लिए बार बार होना चाहिए। तो संविधान का वो क्या, तो दो भागों में बांटिएगा, तो संविधान को क्या कहेंगे हम, संविधान विधान कहेंगे। संविधान विधान, सब में आधा मुहावरा, इसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। इसका मतलब होता है सामान, इक्वल, और विधान का मतलब होता है कानून, यानी सबके लिए एक समान क्या होना चाहिए, कानून होना चाहिए, तो उसे हम संविधान कहते हैं। इसे कहते हैं संविधान जिसमें एक जैसे कानूनों का उल्लेख हो सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, एक बात समझ लेगा, नागरिक शब्द जो आया ना, वो फ्रांस में सबसे पहले आया था। फ्रांस में 1789 में एक वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो उसी में क्या है, पहली बात क्या है, सिटीजन की बात की गई थी। देखिए राजा महाराजाओं के समय पे सिटीजन नहीं होता था, उसमें आप उसको प्रजा कहते थे, प्रजा। आप लोगों ने सुना था राजा और प्रजा, राजा का उल्टा क्या होता है, प्रजा होता है। प्रजा और नागरिक में बहुत बड़ा अंतर है। प्रजा के में उस प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं होता, जीने का भी अधिकार नहीं होता है। राजा जब चाहे किसी को भी मार सकता है, किसी को भी बंदी बना सकता है, किसी को भी सामान को लूट सकता है। राजा का शब्द ही कानून होता था। इसलिए राजतंत्र में क्या होगा कि सामान कानून कभी होता ही नहीं था। लेकिन जब नागरिक शब्द आया है तो नागरिक में क्या है, उसमें कानून की बात की गई है, नागरिक यानी सिटीजन। और ये क्या है, 1789 में फ्रांसीसी जब क्रांति हुई तो इसमें नागरिक शब्द की बात की गई है। और जब नागरिक होगा तो अगर आप किसी देश के नागरिक है तो आपको बहुत सारे अधिकार मिलेगा जो संविधान द्वारा प्रदत्त होता है या संविधान द्वारा दिया जाता है। समझिएगा, तो नागरिक शब्द कहाँ से आया, फ्रांस के क्रांति से, यानी फ्रांसीसी क्रांति से आया। इससे पहले लोगों को नागरिक नहीं कहते थे बल्कि प्रजा कहा जाता था, और प्रजा में के पास अधिकार नहीं होते थे, राजा के पास अधिकार हुआ करता था। पहले देखिए जो जमीन होता था, जमीन भी क्या है, जो किसान होते थे उनका नहीं होता था, बहुत सारे नियम थे। अब देखिए संविधान तो है, अब ये संविधान कहाँ लागू हो,
हमने तो संविधान बनाने की बात बोला, तो देखिए संविधान को हम कहाँ लागू करना चाहेंगे, किसी स्टेट में, इसका मतलब राज्य, राज्य मतलब क्या, नेशन, यानी नेशन मतलब नेशन यानी राष्ट्र में लागू करना चाहेंगे, या राष्ट्र या नेशन या राज्य। देखिए ये जो शब्द आप लोग देखिए पॉलिटिकल साइंस में जितने भी अगर शब्द देखेंगे ना, ये सब क्या है, यूरोप से आया हुआ है, और यूरोप में लैटिन और ग्रीक भाषा से आए हुए हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का डेवलपमेंट तो बहुत बाद में हुआ, तो ग्रीक या लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है। तो ये जितने भी शब्द आप लोग देखेंगे उसमें क्या, यूरोप में जो घटनाक्रम हुआ है उसी घटनाक्रम को ही क्या है पॉलिटिकल के रूप में क्या डेवलपमेंट हुआ, यूरोप में जो जो घटनाएं हुई उसी को क्या है आपको राजनीतिक व्यवस्था के बुक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले ये जो संविधान किस पर लागू होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राज्य यानी नेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, यूरोप में क्या था, यूरोप में बड़े बड़े जो देश है, जितने भी यूरोप में देश है, देश में देश के अंदर क्या होता है, प्रोविंस नहीं होते हैं, प्रांत नहीं होते हैं, तो देश ही क्या होता है, एक ही प्रांत उनके पास क्या देश होता है, और उनके जैसे हम लोग जिला कहते हैं, वहां पे जिले को क्या कंट्री कहा जाता है, जिले को वो लोग क्या कहते हैं, कंट्री कहते हैं। तो सबसे पहले आता है नेशन या राष्ट्र, ये नेशन या जो राष्ट्र है ना ये यूरोप से आया हुआ है, और इसका मतलब होता है एक जैसा भाषा, एक जैसे नस्ल के लोग, एक जैसे संस्कृति, और एक जैसे क्या है पूरी तरह से राज व्यवस्था, ये सारे चीज क्या होगा एक जैसा होना चाहिए। लेकिन आप लोग ने सुना होगा कि भारत में क्या बहुत सारे राष्ट्र हैं, भारत क्या है विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों को मिला के भारत बना हुआ है। यूरोप में देखिएगा, यूरोप में जहाँ फ्रांसीसी बोली जाती है उसको मिला के क्या बना दिया, फ्रांस बना दिया, जहाँ जर्मनी बोली जाती है उनको मिला के क्या बना दिया, जर्मनी बना दिया, जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है उसको ब्रिटेन बना दिया, जहाँ स्पेनिश बोली जाती है उसको स्पेन बना दिया, जहाँ पुर्तगीज भाषा बोली जाती है वहां पर क्या पुर्तगाल बना दिया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में आप लोगों ने कहावत सुना होगा, हर 10 किलोमीटर में यहाँ पे भाषा, रंग, रूप, क्षेत्र, भौगोलिक परिस्थिति सब कुछ बदल जाता है, यहाँ पे प्रत्येक 10 किलोमीटर में क्या है हर चीज बदल जाती है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं होता, यूरोप में उसमें कहता है नेशन स्टेट कहा जाता है, ये सब राष्ट्र क्या है नेशन है, एक भाषा, एक पहचान, ये सारी चीज इसमें है, एक संस्कृति, जैसे जर्मनी के लोग का अपना अलग संस्कृति है, फ्रांसीसी लोगों का अपना अलग संस्कृति है। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, यूरोप के जो लोग है ना अपने भाषा के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक है, आप लोग अगर नहीं भी जानते तो समझ लीजिएगा, जितने भी लोग यूरोप में पढ़ने के लिए जाता है, चाहे डॉक्टरी और कुछ भी पढ़ने के लिए जाता है ना, तो पहले साल उनको क्या होता है उस देश का भाषा सीखना पड़ता है, पहले साल एमबीबीएस नहीं करते, मान लेते पहले साल रशिया चले गए, तो रशिया से अगर एमबीबीएस करने अगर कोई व्यक्ति जाता है तो पहले साल क्या होता है उनको रशिया पढ़ना पड़ता है, वो अंग्रेजी में क्या होता है एमबीबीएस नहीं करवाएंगे, वहां पे रशियन भाषा में करवाएंगे, अगर जर्मनी जाएंगे तो जर्मनी भाषा में करवाएंगे, अगर ब्रिटेन में जाएंगे तो वहीं पे अंग्रेजी भाषा बोला जाएगा। तो भाषा के प्रति क्या होता है वो लोग बहुत ज्यादा क्या है कल्चर के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक है, जैसे हम लोगों में क्या है अभी भी हम इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले स्कूल क्या होता है बहुत ही, जो मेडिकल कॉलेज वगैरह वहां पे बहुत कम मिलेंगे आपको, नाम मात्र के भी नहीं है। तो उन देशों में क्या भाषा का क्या होता है बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए ये मत समझिए कि हम रूस में जाएंगे तो अंग्रेजी में कोई पढ़ाई होगा, नहीं होगा, वहां पे उस रूसी भाषा में पढ़ाई होगा, और इसके लिए क्या होगा बदले व्यक्ति को उस भाषा को सीखना पड़ेगा, उसके बाद जाके उनकी पढ़ाई होती है, चलिए वो अलग बात है। तो देखिए, तो नेशन का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए, देखिए नेशन का मतलब होता है एक प्रकार एक भाषा होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाषा होना चाहिए, एक संस्कृति होना चाहिए, और देखिए यही जो संस्कृति है ना इससे राष्ट्रभक्ति बनता है, इसको देशभक्त कहते हैं या देश सेवा जिसे कहते हैं, संस्कृति से आता है, संस्कृति मतलब क्या होता है कल्चर, कल्चर ही एक जैसे होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए भाषा होना, संस्कृति होना चाहिए, उसके बाद क्या होता है एक प्रकार के क्या भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, एक जैसा भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए,
जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज क्या होगा, नेशन के लिए बहुत जरूरी है। अभी केवल राष्ट्र की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, यही पॉलिटिकल के में क्या होता है, थिंकर जब पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो राष्ट्र का मतलब होता है, यूरोप में भाषा होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, भौगोलिक इख्तियार होना चाहिए, और वहां के क्या है, लोगों का अपना जो भी कल्चर है उसका होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, यूरोप में क्या है, राष्ट्रवाद बना। राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ। देखिए भारत में क्या है, भारत के जो राष्ट्रवाद है वो अलग प्रकार से है। अगर आप भारत के राष्ट्रवाद बोलेंगे, आप बंगाल चले जाइए वहां पे बंगला बोली जाती है, आप उत्तर प्रदेश में आइए हिंदी बोली जाती है। तो उसी हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्र हैं या नेशन स्टेट है यहाँ पे। इसलिए भारत को क्या है, विविधता का देश कहा जाता है, विविधता में एकता कहा जाता है भारत में, यानी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। डाइवर्सिटी तो है, उसके साथ साथ भी क्या था, यूनिटी भी है, भारत को कहा जाता है। धन्यवाद। अब देखिएगा, जब संविधान लागू होता है किसी चीज पर, तब क्या होता है, उस राष्ट्र को या उस नेशन का स्वरूप। देखिए ये नॉर्मल में क्या है, जब संविधान लागू नहीं था तब हम नेशन को इस तरह से परिभाषित किए। अब मान लेते कि नेशन में क्या है, संविधान को भी लागू करना है, राष्ट्र में क्या है, संविधान को लागू करना है, तब देखिए क्या होना चाहिए, तब देखिए एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। संविधान किस पर लागू करें, कोई क्षेत्र तो होना चाहिए, एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उस क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या होना चाहिए, बट जनसंख्या नहीं हो तो संविधान किस पर लागू करेंगे। तीसरा क्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, जो संविधान को इंप्लीमेंट कौन करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, संप्रभु होना चाहिए, वहां के लोग क्या होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का मतलब होता है सॉवरनिटी होना चाहिए, किसी दूसरे देशों के या दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे देशों के क्या नहीं होना चाहिए, अधीन नहीं होना चाहिए। अगर ये चार चीज अगर आपको मिल जाता है किसी भी देश के साथ, तो वो देश क्या है, राष्ट्र है। अगर वो चार चीज अगर जब नहीं मिलेगा तो उन देश को क्या है, हम राष्ट्र नहीं कहेंगे। इसलिए आप लोग सुने होंगे 15 अगस्त में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 से क्या है, हमारे देश क्या बना, संप्रभु बना। हमारा देश क्या बना, संप्रभु। देखिएगा, अंग्रेज जब थे ना, तो ये तीन चीज तो था, भौगोलिक क्षेत्र भी था, सरकार भी थी, और जनसंख्या भी था, लेकिन संप्रभु नहीं थे हम लोग। हम लोग क्या है, अपना देश के कानून को खुद नहीं बना पाते थे। आज देखिएगा, हमारे संसद में हर मिनट में 2 करोड़ रुपए खर्च होता है संसद को चलाने के लिए, फिर भी हम संसद को चलाते हैं। इतने लोग हैं, उनको वेतन भत्ता वगैरह वगैरह देने में हर एक मिनट का जो खर्च आता है वो क्या है, 2 करोड़ रुपए आता है, फिर भी हम संसद को क्यों चला रहे हैं। इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या संप्रभु है, अपना कानून खुद से बना सके, अपना कानून क्या है, खुद से बना सके, इसीलिए चला जा रहा है। नहीं तो इतना पैसा से क्या है, चलाने की क्या आवश्यकता, हम बोल दे ब्रिटेन को, बोल दे कि हमारे लोगों के लिए कानून बना के दे दो, अमेरिका के लोगों को बोले कि हमारे कानून बना के दे दो, तो वो तो बना के दे देंगे, लेकिन क्या होगा, वो संप्रभु नहीं होगा। तो हम क्या है, संप्रभु है, सॉवरनिटी है हमारे अंदर, इसलिए क्या है, हम अपने लोगों के लिए क्या है, कानून खुद बनाते हैं, यानी स्वयं कानून बनाते हैं, इसलिए हम संप्रभु है। और नेशन का जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है संप्रभु, तो हम संप्रभु कब बने, 26 जनवरी 1950 को हम संप्रभु बने। आजादी हमको कब मिला है, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन उस समय हम संप्रभु इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारा अपना संविधान लागू नहीं हुआ था। उस समय भी जो कानून था वो क्या है, जो ब्रिटिश कानून था वही चल रहा था। वास्तव में हमारा देश संप्रभु कब बना, 26 जनवरी 1950 को बना, जिस दिन हमारा देश का संविधान बना और हम क्या बने, गणतंत्र बने, और राष्ट्रपति का हम खुद चुनाव करना शुरू कर दिया। तो ये आपको क्या नेशन के बारे में मालूम चल गया, और नेशन बना कैसे ये भी आपको, ये सारे शब्द क्या यूरोप से आया है, यूरोप में बड़े बड़े क्रांति हुआ। देखिए ऐसे ये कोई भी चीज ऐसे डेवलप नहीं हुआ
यूरोप में बड़े बड़े क्रांति हुआ, और उन क्रांति का प्रतिफल होता है क्या होता है, जब तक कभी संघर्ष नहीं होगा तब तक नया चीज नहीं आएगा। इसलिए समाज में व्यक्ति के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए। स्ट्रगल और दुख अलग अलग चीज होता है। स्ट्रगल का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए अच्छा काम किया जाए। दुख को स्ट्रगल के साथ जो है ज्वाइंट नहीं करना चाहिए। दुख अलग चीज होता है, स्ट्रगल अलग चीज होता है। तो स्ट्रगल करने से क्या होता है, नया चीज। जैसे क्या होता है, मक्खन हमें दूध से निकालना है, दही से अगर मक्खन निकालना है तो इसको पहले क्या करना है, इसको मथना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी क्या होता है वो चीज बनता है। तो इसको ध्यान रखिए। अब आता है संविधान सभा की बात, पहले हम कर लेते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की जो बात आई वो सबसे पहले एमन रॉय ने सबसे पहले कहा था। 1934 में एमन रॉय ने सबसे पहले बोला था कि भारत में एक ऐसा संविधान होना चाहिए और जिसके निर्माणकर्ता भारतीय होना चाहिए। जिसके निर्माणकर्ता कौन हो, भारतीय हो, संविधान हो और उसका निर्माणकर्ता कौन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। सबसे पहले 1935 में कांग्रेस पार्टी ने क्या है आधिकारिक रूप से संविधान बनाने की मांग की, तब 1935 में की गई। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से क्या है अंग्रेजों ने इसे स्वीकार कर लिया कि हाँ भारत का क्या एक संविधान बनना चाहिए। लेकिन उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों ने ये बोला कि हम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इसका गठन करेंगे, तो इसलिए क्या भारत के लोग क्या है अगस्त प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। बाद में 1946 में एक मिशन आता है जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, और इस कैबिनेट मिशन के तहत सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ। इसके आधार पर कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन में तीन व्यक्ति थे। कैबिनेट मिशन में कितने व्यक्ति थे, तीन व्यक्ति थे। एक था पैथिक लॉरेंस, उसके बाद था वी एलेक्जेंडर, बी एलेक्जेंडर और तीसरा था क्रिप्स। जो पैथिक लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस, पी लॉरेंस कहते हैं इसको, पैथिक लॉरेंस या पी लॉरेंस कहा जाता है। तो तीन सदस्य क्या आए थे, कैबिनेट मिशन आया था और उन्होंने भारत में संविधान बनाने के क्या है बात की, क्या बनाने की बात की, संविधान। इसके लिए दो तरह के बात की गई थी। जहां पे विधानसभा थी, आपको बताया था कि जब ब्रिटिश काल था तो हमारे देश में 11 प्रांत हुआ करता था, यानी 11 राज्य हुआ करता था, मतलब ब्रिटिश लोग थे यहाँ। तो जहां पे विधानसभा था, नहीं जो प्रांत था वहां पे क्या था, विधानसभा था और कुछ देशी राजा थे। तो कैबिनेट मिशन ने यह सुझाव दिया कि जहां पे विधानसभा है वहां पे संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वो क्या होगा, विधानसभा के सदस्य द्वारा उनको चुना जाए, और जहां पे राजा महाराजा या नवाबों का क्षेत्र है वहां पे क्या है नवाब द्वारा उसको मनोनीत किया जाएगा। किसके द्वारा मनोनीत किया जाएगा, नवाब द्वारा किया जाएगा। तो दो तरह के थे, एक था चुनाव के माध्यम से और एक था मनोनीत। मनोनीत कौन थे, जो प्रांत में तो जो लोग थे उनको मनोनीत किया गया था, और जो राजा या नवाब थे वहां से लोगों को मनोनीत किया गया। ठीक है, तो दो प्रकार से इसमें आया। और देखिए उस समय भारत में हैदराबाद सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था, तो देशी राज्य में से हैदराबाद के सबसे अधिक सदस्य थे, और प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के क्या है सबसे ज्यादा सदस्य। आज भी देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा के सीट, विधानसभा के सीट, राज्यसभा की सबसे पहले नंबर पर है। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, चारों में उत्तर प्रदेश की संख्या नंबर वन पे है। और उस समय भी क्या है उत्तर प्रदेश क्या था, नंबर वन पे। उस समय भी क्या था, उत्तर प्रदेश नंबर वन पे, उत्तर प्रदेश बड़ा था उस समय। उसको संयुक्त प्रांत कहते थे, उसमें उत्तर प्रदेश नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, संयुक्त प्रांत कहा जाता था, क्या कहते हैं, संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत में सबसे ज्यादा लोग थे और हैदराबाद में सबसे ज्यादा लोग। अब
संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था क्या है, संविधान लिखने के उद्देश्य, यानी संविधान को लिखा जाए। देखिएगा एक बात समझ लीजिएगा, जो संविधान होता है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं लिखित संविधान और एक को कहते हैं अलिखित संविधान। ठीक है, लिखित और अलिखित में अंतर मत समझिएगा, दोनों लिखाई जाता है, दोनों लिखाई जाता है, लिखने में कोई कंजूसी नहीं होता है। आपको आगे बताऊंगा संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है, क्या होता है संविधान में अमेंडमेंट होता है, और संविधान में जो अमेंडमेंट होता है ना, अगर संविधान का जो अनुच्छेद है या आर्टिकल वगैरह है वो अगर आसानी से अगर अमेंडमेंट हो जाता है तो उसको क्या है अलिखित संविधान कहा जाता है, अनरिटन संविधान कहा जाता है। और जिन अनुच्छेदों को हटाने के लिए या उसको संशोधित करने के लिए आसानी नहीं होता, कठोरता होता है, उसमें देरी लगता है, ऐसे संविधान को क्या कहते हैं लिखित संविधान कहा जाता है, लिखित या क्या कठोर संविधान कहा जाता है। समझिए तो भारत की संविधान क्या है, लिखित संविधान है, और ब्रिटेन की जो संविधान है वो अलिखित संविधान। भारत के संविधान में अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए बहुत बड़ा संख्या बल की आवश्यकता होगा। अभी देखिएगा चुनाव के समय पे क्या था, संविधान को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार। तो संविधान में बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको संशोधित करने के लिए क्या विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, दो तिहाई सदस्यों की क्या होती है बहुमत की आवश्यकता होती है, तो लगभग 400 के सीट उसके लिए क्या होना चाहिए। तो इसमें जो विपक्ष वाले पार्टी है उसमें क्या था, इसको नेगेटिव के रूप में बोला कि ये संविधान में बहुत बड़ा बदलाव कर देगा और इससे आरक्षण वगैरह खत्म हो जाएगा, तो इससे भी क्या हुआ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ बीजेपी को, तो वो भी समझ सकते हैं। तो संविधान को हमारे यहाँ संशोधन करना क्या है बहुत जटिल चीज होता है, लेकिन ब्रिटेन में संविधान को संशोधन करना बहुत आसान काम है। ठीक है, संविधान को संशोधन करना क्या होता है बहुत आसान काम होता है। अब ये संविधान की समझ देखिएगा, पहले क्या था जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था 1946 को, तब उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, क्या था पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, और टोटल क्या होता है 389 सदस्य चुनके आए थे, कितने 389 सदस्य चुनके आए थे। लेकिन जब पाकिस्तान विभाजित हो गया तब सदस्य की संख्या कितनी रह गई है 299 रह गई। देखिए मूल संविधान में जो सदस्य थे वो 389 थे, पाकिस्तान जब इंक्लूड था इसमें, लेकिन पाकिस्तान जब हट गया या पाकिस्तान जब विभाजित हो गए तो हमारे जो भारत रह गया, भारत के संविधान में क्या है 299 सदस्य उसमें थे, उनमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे और 70 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे, ध्यान देखो देशी रहे, और इसमें से जो 15 सदस्य क्या थे 15 सदस्य महिलाएं थे। ये क्वेश्चन पूछा गया 15 सदस्य कैसे थे महिला, 15 सदस्य महिलाएं थी और बाकी सब पुरुष थे, अन्य क्या थे पुरुष सदस्य। ठीक है, संविधान सभा जब गठन हो गया तो उसका जो पहला बैठक हुआ था दिल्ली में एक केंद्रीय सभागार है, सेंट्रल ऑडिटोरियम जिसे कहा जाता है सभागार है, वहां पे संविधान सभा की बैठक हुई पहली बार, और बैठक होने के बाद डॉक्टर शशिधरन सिन्हा को क्या है संविधान का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, क्या चुना गया अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। बाद में राजेंद्र प्रसाद को क्या है अध्यक्ष चुना गया, और हरेंद्र कुमार मुखर्जी को क्या उपाध्यक्ष चुना गया, और बी एन राव को क्या है संविधानिक सलाहकार चुना गया। ये चार नाम आप लोग याद करके रखिएगा, इन चारों में से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, शशिधरन सिन्हा क्या है अस्थाई अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है स्थायी अध्यक्ष, हरेंद्र कुमार मुखर्जी क्या उपाध्यक्ष, और बी एन राव क्या है संवैधानिक सलाहकार, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर जिसे कहा जाता है। इन चारों को एकदम कंठस्थ करके याद रखिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब संविधान सभा बन गया है, संविधान सभा का बैठक भी शुरू हो गया है। अब ये संविधान सभा का जो पहला बैठक होता है वो क्या होता है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को होता है। इसका दूसरा जो बैठक होता है वो 11 दिसंबर को होता है, दूसरा बैठक कब होता है 11 दिसंबर 1946 को होता है।
उसके बाद क्या होता है, 13 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर को क्या होता है, उसका तीसरा बेटा होता है, तीसरा दिन होता है। तो 13 दिसंबर को क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव को क्या है, संविधान सभा के सामने रखा। उसको आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव मोशन, इसे कह सकते हैं, वो संविधान सभा के सामने रखा। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, यही हमारे संविधान के क्या है, प्रियम्बल बना, समझिएगा, यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, हमारे संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल बना, जिसे हम भारत के लोग, आपने शुरू सुनो होगा, वी आर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया करके जो लिखा है, तो वो क्या है, यही उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से उसको लाया गया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। और किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उसको लाया गया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, इसमें क्या है, बहुत सारे चीजों के मूल है, और इसी को क्या कहा जाता है, हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, यानी आधारभूत संरचना कहा जाता है। हमारे संविधान का जो आधारभूत संरचना है, यही उद्देश्य प्रस्ताव बना है, जिसमें आप लोग हर किताब में देखिएगा पीछे लिखा रहता है प्रस्तावना। उस प्रस्तावना में क्या है, बहुत सारे चीज लिखा हुआ है, 3 प्रकार के क्या है, स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की न्याय की बात की गई है, उसके बाद लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणराज, पंथ निरपेक्ष, ये सारी चीजों के बारे में बात की गई है, अखंडता के बारे में बात की गई है। तो ये सारे चीजों जो बात की गई है ना, ये उद्देश्य प्रस्ताव में है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में एक बार क्या है, किस प्रियम्बल को चेंज किया गया है, वो 46 बार, तो 1976 में किया गया था, 42 बार संविधान संशोधन के माध्यम से, वो आपको बाद में बताऊंगा, कि जब संविधान संशोधन बताएंगे तब उसको बाद में क्या क्या चेंज किया गया। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये इसमें समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता के बारे में गारंटी दी गई है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को क्या है, हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसको अपनाया गया है। संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा बनने, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कितने समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने, ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, आप लोग ध्यान रखें। 24 जनवरी 1950 को क्या है, राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट बहुत बार पूछता है। 24 जनवरी 1950 को क्या है, जो हमारा राष्ट्रगान है उसको अपनाया गया है। मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद था, और क्या है, 8 सूचियां थी, तो 8 से क्या है, ये बन गया आप 12 सूची। 1948 में क्या है, मसौदा, या जिसको क्या कहते हैं, ड्राफ्ट बनाया गया था संविधान, और लोगों के सामने रखा गया था, उनसे प्रतिक्रिया मांगा गया था। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुआ था, वो 14 से 26 नवंबर के दिन हुआ था, और 26 नवंबर को क्या, जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, और 26 नवंबर को क्या है, संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को एक्सेप्ट किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मना जाता है, 26 नवंबर को आप लोग या हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, कि संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, या एक्सेप्ट किया गया था, या उसको अपनाया गया था। धन्यवाद। तो इसी प्रकार से क्या है, संविधान बनने में ये सारे प्रोसेस को अपनाया गया है, इन सभी प्रोसेस को क्या है, संविधान को बनाने में लगा। इसलिए देखिए, भारत के संविधान क्या, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्या है, भारत का संविधान है, और दुनिया का छोटा संविधान है वो है अमेरिका।